प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मलयालम मनोरमा के 125वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में मीडिया ने निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में कल हुए नक्सली हमले से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का लिया जायजा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि इस मामले में कई जानकारियां मिली हैं, जिन्हें राज्य ने केंद्र के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराई जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 15 दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने दया याचिकाओं के निपटारे में देरी के आधार को इसका कारण बताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी बनाने का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। उन्होंने बताया कि पवन बंसल का नाम किसी आरोप पत्र में शामिल नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस की रैली में नहीं हुए शामिल। ममता ने गुजरात नेतृत्व पर लगाया सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। कहा, कांग्रेस और भाजपा में से किसी को नहीं देंगे समर्थन। आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने आज मुंबई में लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार के लिए मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन से अपना अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने 8 राज्यों में लोकसभा की 56 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। पूर्व IPS अधिकारी सुरेश खोपड़े आपके टिकट पर बारामती से राकपा प्रमुख शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले का मुकाबला करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के बागी नेता रामकृपाल यादव आज भाजपा में शामिल। रामकृपाल यादव बिहार में लालू प्रसाद की बेटी मीसा यादव को पाटलिपुत्र से लोकसभा का टिकट दिए जाने से नाराज चल रहे थे। पार्टी में रामकृपाल यादव का स्वागत करते हुए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, इससे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि RJD लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक पार्टी बन गई है। रामकृपाल यादव के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा, उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राजस्व और सुरक्षा खुफिया एजेंसियों का अलग दल बनाया। सूत्रों के अनुसार आयकर, वित्त, राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे भारी हिमपात और चट्टान खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 5 लोग घायल। भारी हिमपात से कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से कटी। 5वें ICC वर्ल्ड T20 के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी। 16 मार्च से बांग्लादेश में शुरू हो रहे इस फटाफट क्रिकेट के लिए भारत भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। 2007 के पहले संस्करण की चैंपियन रही भारतीय टीम हाल के दिनों में खराब दौर से गुजर रही है।